दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की वो 11 बातें शेयर करूंगा जिन्हें कलाम साहब ने खुद अपनी लाइफ में अप्लाई किया और फिर उन्होंने ना सिर्फ इंडिया की इमेज बदली बल्कि लोगों को सपने देखने और उन सपनों को जीने का तरीका सिखा दिया। कलाम साहब ने कहा था कि जो अपने दिल से काम नहीं करते वो हासिल तो करते हैं लेकिन सिर्फ खोखली चीजें। इसलिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए आप जो भी काम करो उसे पूरी मेहनत और दिल लगाकर करना चाहिए। अगर तुम भी सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। दोस्तों हम किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को देखते हैं तो हम भी उसी के जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन हम ये देखना भूल जाते हैं कि वहाँ तक पहुँचने में उस बंदे ने अपने आप को कितना तपाया है। इसलिए अगर आप वाकई सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो अपने आप को मेहनत की आग में तपाना शुरू कर दो। कलाम साहब ने कहा था, इससे पहले कि सपने सच हों आपको सपने देखने होंगे, क्योंकि बिना सपने देखे आपके सपने कभी पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक सपने देखोगे नहीं तो उन्हें पूरा कैसे करोगे। सपने वो नहीं होते जो नींदों में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। अगर आपके भी कुछ ऐसे सपने हैं जिनकी वजह से आपकी नींदें उड़ी हुई हैं, तो समझ जाओ कि एक दिन आपका सपना भी जरूर पूरा होने वाला है। क्योंकि कलाम साहब ने कहा था, महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। उन्होंने कहा था, युवाओं के लिए मेरा संदेश है कि ये अलग सोचने का साहस रखें, आविष्कार करने का साहस रखें, अनदेखे रास्तों पर चलने का साहस रखें, असंभव को खोजने और समस्याओं पर जीत हासिल करके सफल होने का साहस रखें। यदि इन चार बातों का पालन किया जाए, पहला एक महान लक्ष्य बनाया जाए, दूसरा ज्ञान अर्जित किया जाए, तीसरा कड़ी मेहनत की जाए और चौथा दृढ़ रहा जाए, तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। मुझे पक्का यकीन है कि जब तक किसी ने नाकामयाबी की कड़वी गोली ना चखी हो वो कामयाबी के लिए पर्याप्त महत्वाकांक्षा नहीं रख सकता। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये बहुत जरूरी है। दोस्तों कलाम साहब ने एक बहुत ही गजब की बात कही थी, अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मन वाले लोगों का देश बनाना है तो मेरा दृढ़ता पूर्वक मानना है कि तीन लोग ऐसा कर सकते हैं, माता पिता और गुरु। आप तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पे ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। सफलता आपके कदम चूमेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।